चैनल कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ पीतमपुरा फैमिली फेयर दिखाने। तो ये मेला बेसिकली लगा था दशहरा और दिवाली के लिए, बट इसको तैयार होने में इतना टाइम लग गया कि दिवाली ही निकल गई, तो अब इसका नाम फैमिली फेयर कर दिया है। और यहाँ की लोकेशन क्या है, पार्किंग फैसिलिटी है या नहीं है, अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, कौन कौन से झूले हैं, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इस मेले की लोकेशन है डीडीए ग्राउंड दिपाली चौक नियर रमादा होटल पीतमपुरा। पार्किंग आपको इसके साथ ही मिल जाएगी। तो कार की पार्किंग है यहाँ पर 50 रुपीज की और बाइक की पार्किंग है 20 रुपीज की। तो यहाँ से है इसकी एंट्री। तो ये मेला लगा हुआ है 15 नवंबर तक और टाइमिंग इसकी है शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक। टिकट आपको इसके टिकट काउंटर से मिल जाएगी और टिकट प्राइस है 30 रुपीज। तो हमने अपनी टिकट ले ली है, चलिए अब चलते हैं अंदर। तो एंट्री करते ही आपको शॉपिंग स्टॉल, खाने पीने की चीज़ें और झूले दिख जाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये स्टॉल है जहाँ पर सारी ज्वेलरी आइटम्स जो भी हैं वो 100 रुपीज़ में मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपको एंकलेट मिल जाएंगे, पायल मिल जाएगी, बैंगल्स मिल जाएंगी और हर चीज़ 100 रुपीज़ की है। मतलब नॉर्मल मार्केट में भी ये 100 रुपीज़ में नहीं मिलते हैं जो बैंगल्स इनके पास हैं। इस पूरे रैक पे ब्रेसलेट्स थे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, ईवल आई वाले थे, कुछ अलग स्टोन्स वाले थे, तो ये सब भी 100 रुपीज़ के ही हैं। और यहाँ पे इयररिंग्स थे जो कि सरोजनी में भी 100 रुपीज़ के नहीं मिलते हैं, बट यहाँ पर ये 100 रुपीज़ के मिल रहे हैं। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको वहाँ चीज़ें मिल रही हैं। नेक पीसीज हैं, ड्रीम कैचर है, बहुत कुछ है इनके स्टॉल पर यहाँ पर। देन इसी के नेक्स्ट था ये स्टॉल जहाँ पर 20 रुपीज़ की सेल थी। ये जितनी भी हेयर एक्सेसरीज़ या आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं बच्चों की या नॉर्मल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ये सब 20 रुपीज़ के हैं। और वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है, चाहे आप स्टेशनरी का सामान देख लें या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख लें। तो यहाँ भी ये ज्वेलरी का स्टॉल था जहाँ पर हेयर एक्सेसरीज़ और इयरिंग्स थे। इयरिंग्स आपको सब 50 to 100 की प्राइस रेंज में मिलेंगे और नीचे जितने भी हेयर एक्सेसरीज़ है वो सब 20 रुपीज़ की थी। और वैरायटी इनके पास काफ़ी अच्छी थी, प्राइसेस बहुत ही मिनिमल आएंगे, इतने ज़्यादा हाई नहीं है। तो आप एक बार तो विज़िट करें, जितने भी वहाँ नियर बाई के लोग हैं जाके विज़िट करें। देन ये स्टॉल था जहाँ पर सेल थी 99 की और इसमें लेडीज़ फैंसी स्वेटर थे जो कि 250 की प्राइस रेंज में थे, और अगर आप 4 पेयर लेते हैं तो आपको एक फ्री मिलेगा। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सब 99 की सेल में है। इसमें शर्ट, स्वेटर, बहुत कुछ था। देन इसी के नेक्स्ट यहाँ पर ये स्टॉल थी जहाँ पे इस तरीके के बैंगल बॉक्स और ज्वेलरी बॉक्स थे और ये 100 रुपीज़ का था और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा मुझे, बहुत ज़्यादा क्लासी है, इस तरीके की चीज़ों में ज्वेलरी रखना काफ़ी सही लगता है। इनके पास काफ़ी कुछ थे, छोटे वाले बॉक्सेस भी थे, इस तरीके के कैंडल स्टैंड्स भी हैं, टिश्यू पेपर के बॉक्स भी थे इनके पास। और ये जो छोटे वाले ज्वेलरी बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये सब 80 रुपीज़ में है और हर किसी के आगे इन्होंने चिट्स लगा रखी है कि कौन सी चीज़ें किस प्राइस की हैं, जो कि आप देख सकते हो। देन यहाँ पर थी वो सब आइटम्स जो डेली यूज़ में घर में काम आती हैं, जैसे कि ये कारपेट क्लीनर था जो ये दिखा रहे हैं किस तरीके से ये कारपेट को क्लीन करता है वो। ये विंडो क्लीनर था जो कि इन्होंने मुझे 250 का बताया और काफ़ी सही था, ये करके भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये क्लीन करता है, किस तरीके से ये काम करता है। और प्राइजेज इन सबके बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थे, इतना कुछ हाई नहीं था कि जैसे नॉर्मली इस तरीके की मेलों में या किसी भी जगह पर इनके प्राइजेज डबल हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं था। जितने नॉर्मल प्राइजेज हैं वही प्राइस में ये चीज़ें मिल रही थी वहाँ पर। तो सबसे पहला गेम जो आप यहाँ खेल सकते हैं वो है ये गन वाला, कि आपको सामने जितने ही बलून्स हैं उनको फोड़ना है।
तो 100 की आपको 10 शॉट्स मिलते हैं जिसमें आपको बलून्स फोड़ने हैं। देन इसी के नेक्स्ट था एक और गन वाला गेम जिसमें सामने आपको ये प्राइजेस रखे हुए हैं और उनके ऊपर माचिस की डिब्बी रखी हुई है। अगर आप उसको शूट करते हैं और माचिस की डिब्बी गिर जाती है तो वो जो प्राइज़ है वो आपको मिल जाएगा। इसमें भी 100 के 10 शॉट्स ही हैं और आप देख सकते हैं बच्चे हो या बड़े हो सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। देन इसके नेक्स्ट था ये लकी ड्रॉ वाला जिसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको 100 रुपये में ये 6 बॉल्स मिलती हैं और अगर आप इसमें जैसे कि ये आंटी खेल भी रही है तो सामने ये नंबर लिखे हुए हैं, अगर आप आगे से बॉल छोड़ते हैं तो वो अगर नंबर पे जाके लग रही है तो अगर वो नंबर बन के उस लकी ड्रॉ का आता है तो सामने रखी हुई जितनी भी आइटम्स है उस नंबर की आइटम आपको मिल जाएगी। तो मैंने भी ये ट्राई किया और ट्राई करने के टाइम ये लोग चीटिंग करवाते ही हैं, तो अब आप इतने पास से घेरेंगे तो ऑफकोर्स वो नंबर्स में जाएगा ही जाएगा। तो मैंने उनको बोला भी कि ये मेरा प्राइस निकल गया है तो आप ऐसा कीजिए मुझे चार्ज कर लीजिए और आप इसको मुझे दे दीजिए गिफ्ट को, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। देन इसके आगे ये है रिंग वाला, तो आपको ये 100 रुपये में 6 रिंग्स मिलती हैं और आप अगर इन चीज़ों पर रिंग डालते हैं तो जिस चीज़ पर भी आप रिंग डालेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वो आपका प्राइस होगा। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आप कौन कौन से झूले या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रैम्पलिन बच्चों के लिए जिसका प्राइस है 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में आपको 10 मिनट्स मिलते हैं। देन यहाँ था ये जाइंट व्हील जिसकी टिकट थी 100 रुपीज़ जो कि आप देख सकते हैं। और इसी के साथ में था ये नाव वाला जिसकी टिकट थी 100 रुपीज़ ही, बट उसमें अभी उतने लोग नहीं बैठे थे तो इसलिए चल नहीं रहा था। देन यहाँ पे था ये टावर वाला झूला जो कि पूरा ऊपर तक जाता है और इसकी टिकट भी थी 100 रुपीज़। देन नेक्स्ट था ये झूला, इसकी टिकट भी 100 रुपीज़ ही थी और बहुत सही लग रहा था, ये लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी इसकी। देन ये था बच्चों के लिए और इसकी टिकट थी 50 रुपीज़। देन आगे यहाँ पर था ये मिक्की माउस जिसकी टिकट थी 80 रुपीज़। देन इसके आगे था यहाँ का सबसे ख़तरनाक झूला, मतलब मुझे तो ये बहुत ख़तरनाक लगा, और इसका नाम है रेंजर। इसकी टिकट थी 100 रुपीज़ और ये पूरा ऐसे उल्टा हो जाता है ऊपर जाकर, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में कि किस तरीके से चल रहा है ये, और ऊपर जाके रोक भी देते हैं ये, तो मुझे बहुत स्कैरी लगा ये। नेक्स्ट था ये ड्रैगन वाला झूला जिसकी टिकट थी 100 रुपीज़ और बच्चों के लिए जितने भी झूले हैं वो सब 50 रुपीज़ में हैं, चाहे वो ये एयरप्लेन वाला हो या फिर कार वाला हो। नेक्स्ट झूला था यहाँ पर ये स्ट्राइकिंग कार्स जिसकी टिकट थी 100 रुपीज़ और फिलहाल ये चल नहीं रही है क्योंकि वहाँ पे इतना क्राउड नहीं है। इसके नेक्स्ट था यहाँ पर ये ब्रेक डांस झूला जो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी लगता है और इसकी टिकट भी 100 रुपीज़ ही थी। हो गए सारे झूले यहाँ के, अब चलते हैं खाने पीने की चीज़ें देखने। तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा राठौर चाइनीज पॉइंट जहाँ पर आपको चाउमीन बर्गर सब कुछ मिल जाएगा चाइनीज़। देन यहाँ पर था जय शिव चाट सेंटर जहाँ पर आपको चाट मिल जाएगी, टिक्की, गोलगप्पे, हर चीज़ मिल जाएगी और वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं था, 50 या 100 यही प्राइस रेंज है वहाँ की। देन यहाँ पर आपको जूस मिल जाएगा। देन यहाँ थी भेल, पॉपकॉर्न, सॉफ्टी और जिसमें आपको यहाँ पर 3 फ्लेवर मिल जाएंगे, स्ट्रॉबेरी, वनीला और चॉकलेट। और यहाँ थी ये छोटी हवेली जिसका मेन्यू पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या चीज़ किस प्राइस में है और काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ था यहाँ पर, आपके लिए सेल्फी पॉइंट भी बना रखा था कि आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकें। यहाँ था ये भूत बंगला जिसकी टिकट थी 80 रुपीज़
तो ये था पीतमपुरा फैमिली फेयर, और मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि एक बार तो वहाँ ज़रूर जाइए। बहुत अच्छा मेला है, आप डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करेंगे। तो अपनी फैमिली के साथ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। जो भी वहाँ नियर बाय रहते हैं या थोड़े डिस्टेंस पे भी रहते हैं तो थोड़ा ट्रैवल करके चले जाइए, इन्जॉय करेंगे आप वहाँ पर। तो वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मेरे मोटिवेशन और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।